इयत्ता सहावी विषय मराठी इंग्रजी माध्यम आज आपण अप्पाजीचे चातुर्य ज्याचे लेखक आहेत विलास गीते यावर आधारित भाग दोन पाहणार आहोत भाग एकमध्ये अप्पाजीचे चातुर्य यामध्ये अप्पाजींचे चातुर्य तपासण्यासाठी कलिंग राजाने जे एक आवाहन त्याच्यासमोर दिलं होतं ते पूर्ण केलं आता ही दुसरी परीक्षा आप्पाजींची तर दुसऱ्या परीक्षेत काय होतं दुसरी कशी परीक्षा घेतली जाते आप्पाजींची हे आपण भाग दोनमध्ये पाहणार आहोत ज्यामुळे आपल्याला कळेल आप्पाजी दुसऱ्या परीक्षेमध्ये कशा पद्धतीने पास होतात आप्पाजींची आणखी एक परीक्षा घ्यावी असे कलिंगच्या राजाला वाटले त्याने एकसारख्या दिसणाऱ्या तीन मूर्ती मागवल्या व म्हणाले या तिन्ही मूर्ती दिसायला सारख्या आहेत तरी यातली एक मूर्ती निकृष्ट आहे दुसरी मध्यम दर्जाची आहे आणि तिसरी उत्कृष्ट आहे या सारख्या दिसणाऱ्या तीन मूर्तीमधील उत्कृष्ट कोणती ते मला सांग अब आप्पाजी के दुसरी परीक्षा लेने की तय हुआ जो कलिंग राजा ने तय किया था कियांनी आप्पाजी सामने तीन मूर्तियां रखी तीन मूर्तियां मागवल्या मतलब मंगाई और उनके सामने रखी गई दिसाईला सारख्या असल्या मतलब दिखने में सारखे एक जैसी थी लेकिन फिर भी एक निकृष्ट होती म्हणजे आधी त्याची क्वालिटी खूप खालच्या दर्जाची होती म्हणजे चीप क्वालिटी असं आपण म्हणू दुसरी मध्यम दर्जाची एक मीडियम क्वालिटीची होती आणि तिसरी जी होती ती बेस्ट क्वालिटी होती उत्कृष्ट म्हणजे बेस्ट क्वालिटीचे होते यासारख्या दिसणाऱ्या तीन मूर्त्यांमधील उत्कृष्ट कोणती ते मला सांग कलिंगराजाने उनको कहा जो तीन मूर्ती सामने रखी गई है इसमें से बेस्ट क्वालिटी सी है मतलब सबसे अच्छी मूर्ति कौन सी है हालांकि तीनों एक जैसे दिख रही थी लेकिन अप्पाजी को पहचानना था कि बेस्ट कौन सी है तेल फरक इतर को ही ओखता ये ही ना अप्पाजी मनाले मी तो फरक एक लवचिक तार घी ती तार मूर्ति कानात ती तार मूर्ति तोडात बाहर पड़ी आता इतर को मतलब दूसरे किसी को भी इस मूर्ति की क्वालिटी जो है मतलब कौन सी अच्छी है कौन सी मीडियम है कौन सी वर्स्ट है पहचाने नहीं आ रहा था लेकिन अप्पा जी मना ले मी फर्क संगते तो, मैं डिफरेंस बताता हूँ एक लवचिक तार घित लवचिक तार मतलब जो ऐसी एक तार एक वायर उन्होंने ली जो लवचिक थी फ्लेक्सिबल थी ती एका मूर्ति चा कानात घातली वो जो तार वो वायर उन्होंने ली थी जो फ्लेक्सिबल थी एका मूर्ति चा कानात घातली मतलब एक मूर्ति के कान में से उन्होंने वो डाली तेतून ती तार मूर्ति तोंडा तोंडातुन बाहर पड़ ली वो जो वायर थी उन्होंने कान में से डाली थी मूर्ति तोंडा तोंडातून बाहर पड़ ली मतलब मूर्ति के मुंह में से वो बाहर आई अतः हा अन्य के लिए प्रयोग होता अप्पा जी ने ये किया हुआ एक प्रयोग था जिस प्रयोग के माध्यम से ही वो तय करने वाले थे कि मूर्ति का दर्जा क्या है मतलब मूर्ति कौन से क्वालिटी की हे बेस्ट क्वालिटी मीडियम क्वालिटी और वर्स्ट क्वालिटी ठीक आहे तो आगे उन्होंने क्या किया फिर आप्पाजी म्हणाले ही निकृष्ट मूर्ती आहे नंतर आप्पाजीनी ती तार दुसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातली ती तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली आप्पाजी म्हणाले ही मध्यम दर्जाची मूर्ती आहे तिसऱ्या मूर्तीवरही आप्पाजीने हाच प्रयोग केला त्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून वा दुसऱ्या कानातून कोठूनच बाहेर पडली नाही अप्पाजी मनाले ही उत्कृष्ट मूर्ति है पहली जो मूर्ति थी जिसके कान में से वायर डाली गई जो मुंह में से बाहर आई बताया गया कि ही निकृष्ट मूर्ति है मतलब इसकी क्वालिटी बहुत ही वर्स्ट है निकृष्ट है नंतर अप्पाजी ने ती तार दूसर मूर्ति या कानत घी ती त्या दूसर कानतन बाहर पड़ी जेव दूसर मूर्ति मतलब दूसरी मूर्ति के कान में से वो वायर डाली गई वो कान वो वायर वो दूसरे कान में से बाहर आई तब उन्होंने बताया कि ये मीडियम क्वालिटी है मध्यम दर्जा की मूर्ति तीसरी मूर्ति के साथ भी वही प्रयोग वही एक्सपेरिमेंट किया गया जब तीसरी मूर्ति के कान में वो वायर डाली गई ती ना काना तो ना बाहर ना तोंडा तो ना इस प्रयोग के बाद उन्होंने बताया कि ये मूर्ति जो है ये उत्कृष्ट है मतलब ये बेस्ट क्वालिटी की मूर्ति है ऐसे उन्होंने बताया अब आपाजीने रिझन क्या बताया बया वेगते कलिंग कलिंगराजाला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले आपण मागवलेल्या मूर्तीपैकी एका मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून बाहेर पडली ती निकृष्ट मूर्ती एखादा माणूस ज्या अफवा ऐकतो त्याचा खरे खोटेपणा पडताळून न पाहता जर तो दुसऱ्यांना सांगू लागला तर त्याचे व समाजाचे हित होत नाही या मूर्तीचा असा अर्थ होतो पॅली मूर्तीप जो प्रयोग किया गया जो कान में से डालने के बाद वायर मुंह में से बाहर आई उसका अर्थ ये बताया गया कि जो इंसान कान से सुनी हुई बात बिना उसको क्रॉस चेक किए दूसरों को बताता है मतलब अफवाह रूमर्स दूसरों को बता खरे खोटे पड़ा पड़ताल न पता मतलब उसकी सच्चाई उसका झूठ जो है उसको क्रॉस चेक न करते हुए वो लोगों को बताता है जिसके वजह से उसका खुदका मतलब त्याचे आणि समाजाचे हित होत नाही मतलब समाज और उसका हित मतलब अच्छा नाही होता ऐसी मूर्ती जो है वो है वस्ट मूर्ती जो बिलकुल भी निकृष्ट दर्जाची आहे म्हणजेच कानातून टाकलेली वायर तोंडातून बाहेर येणे याचा अर्थ त्यांनी सांगितला कानाने ऐकलेली गोष्ट ती खरी आहे की खोटी आहे हे न पाहता ती लोकांना सांगत सुटणे म्हणजे ही मूर्ती कशी आहे वस्ट आहे निकृष्ट दर्जाची आहे पुढे ते म्हणतात दुसऱ्या मूर्तीच्या एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली ही मध्यम दर्जाची मूर्ती आहे एखाद्या माणसाने अफवा ऐकली आणि ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली तर त्या समाजाचे हित होत नाही आणि नुकसानही होत नाही हा मू दुसऱ्या मूर्तीचा अर्थ आहे दूसरी मूर्ति का अर्थ क्या बताया उन्होंने तो दूसरा मूर्तिचा कानातुन घत ले ली कान में से डाली गई जो वायर थी वो दूसरे कान में से बाहर आई इसका अर्थ ये इंसान एक कान से सुनकर बातें दूसरी कान से छोड़ देता है और इससे ना समाज का हित होता है ना अच्छा होता है ना नुकसान मतलब ना फायदा होता है ना नुकसान होता है इसीलिए ये मूर्ति कैसी है तो मध्यम दर्जा मीडियम क्वालिटी तीसर मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तेथेच अड़कून पडली ती दि तीसरी उत्कृष्ट मूर्ति अफवा ऐकल्यावर जो माणूस दुसऱ्या कानाने ती सोडून देत नहीं अब इन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि तीसरी जो मूर्ति है उसके कान में डाली गई जो कार तार है वो तार मतलब वही वायर जो ना दूसरे कान से बाहर आई ना मुंह में से बाहर आई इसका अर्थ ये है कि ये मूर्ति अफवाह सुनने के बाद मतलब इस तरह के इंसान अफवाह सुनने के बाद ना वो दूसरे कान से छोड़ देते हैं ना लोगों को बता देते हैं उत्कृष्ट मूर्ति मुझे अफवाह रूमर्स ऐक्यावर जो मानो दूसरे काना ने ती सोड़ देत नहीं मतलब दूसरे कान से वो छोड़ता नहीं है। ना कि वो अपने मुंह से किसी और को बताता है ऐसी मूर्ति को उन्होंने उत्कृष्ट मूर्ति कहा है ती दूसरना सांगत नहीं तो तिचा खरे खोटेपणा खात्री करून घेतले मतलब उसकी सच्चाई क्या है वो वो इन्सान जान लेता आहे आणि आपण काय ऐकले ते पुराव्यानिशी किंवा पुराव्याशिवाय सांगत नाही तो माणूस उत्तम हा तिसऱ्या मूर्तीचा अर्थ आहे त्याने काय सांगितलं तर हा माणूस एखादी गोष्ट ऐकतो ती खरी आहे की खोटी पुराव्याशिवाय पुराव्या म्हणजे एव्हिडन्स सबूत के किसी को वो बताता नहीं ऐसा इन्सान जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है इसीलिए जो तीसरी मूर्ति है उसे कहा गया है उत्कृष्ट दर्जाची मूर्ती करिंगच्या राजाला आप्पाजीचे उत्तर मिळाले आप्पाजीनी तीनही मूर्तीचा दर्जा ओळखल्याने राजा संतुष्ट झाला त्याने आप्पाजीचे व कृष्णदेवरायनचे अभिनंदन केले अब जिस तरह से ने उनको उत्तर दिया उनके सवाल का जो जवाब था वो दिया उसके बाद राजा संतुष्ट जाला मतलब वो बहुत सैटिस्फैक्शन मिला उनको कि मैंने जो भी अप्पा जी के बारे में सुना था वो सच है वो सच में बहुत चतुर है चालाक है होशियार है किसी भी प्रश्नों का उत्तर वो दे सकते हैं किसी भी समस्या को वो हल कर सकते हैं इसीलिए वो कैसे हो गए संतुष्ट हो गए समाधानी हो गए ताने अप्पा जी से वो कृष्णदेव रायन से अभिनंदन के लिए मन है। तर कलिंग राजा ने अभिनंदन के लिए मतलब कांग्रेचुलेट किया किसको अप्पा जी को और कृष्णदेव राय को ठीक है तो इस पता इस तरह से हमें इस पाठ से ये पता चला कि अप्पा जी के सामने जो दो प्रश्न रखे गए थे एक तो बैलगाड़ी वाला था को भी पहुँचाना दूसरा था मूर्तियाँ पहचाना दोनों पे वो सफल उतरे दोनों ही मदे ने अगदी सफलतापूर्वक उत्तर दिली अशा प्रकारे पाठ संपले है धन्यवाद थैंक यू सो मच